सर, सबसे पहले जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो बच्चों से पहले इंटरेक्ट करना हमें चाहिए। तो हम बच्चों के साथ जैसे इंट्रोडक्शन ले लिया उनको, और सबसे पहले हम उनको ये बात बताते हैं कि आप हमारे इस दरवाजे के अंदर एंटर हो गए। आप ये मत सोचिए कि आपकी एज 15 साल है, 8 साल है या 20 साल है। आप ये सोचिए कि आप 2 साल के बच्चे हैं, और जैसे 2 साल के बच्चे शैतानियाँ करते हैं वैसे आपको यहाँ पर शैतानियाँ करनी है। खुश रहना है, अपनी बुक्स वगैरह आप घर में छोड़ के आइए गेट के बाहर, और गेट के अंदर जब आते हैं आप सोचें कि हम आपके दोस्त हैं। और उसी तरीके से हम पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, लॉफिंग थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे उनको एक्टिविटीज दिखाते हैं जो हमारी एक्सरसाइज की हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है एक्सरसाइज, उनको लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है ये हमें हंसाने के लिए की जा रही है। जब हम लोगों से मिले यहाँ पर तो हमने उन्हें बताया कि आपके बच्चों का ब्रेन जो इसका तो डेवलप होगा कि मान लीजिए कि वो आंखों में पट्टी बांध के सब कुछ कर सकते हैं। वो तो हमें पागल समझ रहे थे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन हमने उन्हें प्रूव करके दिखाया, जैसे हमारी जो टैगलाइन है योर चाइल्ड इज जीनियस एंड वी कैन प्रूव इट, यस। और हमने ये करके दिखाया। आज जो है डोडा के अंदर 150+ बच्चों जो है हमने तैयार कर दिया है, और जो है बहुत ही अच्छा जो काम उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूँ कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ही बच्चों को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है, और एक्सलेंट सर्टिफिकेट भी हमें मिला गया। तो आपको जैसे बता दिए उसका लड़की का नाम जो है खुशी निरंकारी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, एक हमारी छोटी बच्ची जो थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही शाई टाइप थी। जब हमने उसको कोर्स कराया तो जब वो स्टार्टिंग में हमारे पास आई तो बहुत ही शर्मिली थी, तो कुछ भी बोलने से पहले डरती थी वो। लेकिन जब हमने उसका कोर्स कराया तो कोर्स कराने के बाद सर मैं बताऊँ वो ताइक्वांडो में आज जो है जम्मू कश्मीर के लिए खेल रही है। एक्चुअली बच्चों के साथ कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, और लोग कहते हैं कि शरारती बच्चों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, पर हम यहाँ कहते हैं कि जितने शरारती बच्चे हैं वो हमें ला के दे दीजिए, क्योंकि सर बच्चों के साथ बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को डांटना बिल्कुल अलाउड नहीं है, हंसी मजाक से खुशी से जो है बच्चों के साथ इंजॉय किया जाता है और उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिनका दावा है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ है ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिनका दावा है कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि आपका बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। तो योर चाइल्ड इज़ जीनियस वी कैन प्रूव इट, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग यहाँ पर है, आखिर ये कितना सही है वो हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो वाइस चेयरमैन है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। सर धन्यवाद। सर मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, और ये भी मतलब आपका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारे फाउंडेशन डे में आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आखिर शुरुआत इसकी कब हुई, और ख़ासतौर पर डोडा की अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल हुआ कि डोडा में ये यहाँ पर लाना और इसके बाद यहाँ पर शुरुआत करना। एग्जैक्टली सर, जैसे देखा जा रहा है सर, अभी हमने पीछे देखा जब हमने जम्मू में स्टार्ट किया था तो ये वहाँ पे बहुत ही कठिन था हमें लोगों को समझाना, क्योंकि लोग जो है ऐसी भाषा नहीं समझते। ब्रेन डेवलपमेंट क्या, ब्रेन डेवलपमेंट क्या, ब्रेन डेवलपमेंट ये नहीं जानते। लेकिन अगर वो इस चीज़ के पीछे जाएं कि ब्रेन डेवलपमेंट असली है क्या, बच्चे का ब्रेन जो है कैसे डेवलप होता है, तो हम उसकी बात करें तो डोडा में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर लोगों पहले काउंसलिंग करने का मतलब बहुत ही पहले काउंसलिंग जब करी हमने लोगों को तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। हमने फर्स्ट बैच जो अपना ग्रीन मॉडल में स्टार्ट किया था, और आज जो हम तीसरा जो है साल जो हम यहाँ पर मना रहे थे एज अ फाउंडेशन डे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग जो है आज जो है हमसे जुड़े और काफ़ी अच्छा भी लगा। तो मैं आपको जैसे बता दूँ जो है लोग थोड़े भटके हुए हैं, आजकल के यूथ जैसे भटके हुए हैं, जो उनको कहीं होना चाहिए था वहाँ पे होते नहीं हैं। अगर हम देखा जाए जैसे हमारे माजिद सर ने एक एग्जांपल आज यूज़ की थी है, आर अश्विन की बात करें तो वो एक इंजीनियर थे, और इंजीनियर होने के बावजूद आज अच्छा क्रिकेटर माना जाते हैं, एक ऑलराउंडर माने जाते हैं। क्या अगर उनको करेक्ट सिचुएशन पे करेक्ट डायरेक्शन मिल जाती करेक्ट टाइम पे, तो क्या वो पहले से ही वहाँ पर नहीं होते और अच्छा नाम नहीं कमा सकते। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि शुरुआत जब डोडा में आप आए तो क्या डोडा के लोगों का रिएक्शन आखिर किस तरह का रहा, क्योंकि जब आपने लोगों से बात की होगी, लोगों से जानने की कोशिश होगी कि आपके बच्चों को इस तरह का हम यहाँ पर सिखाएंगे, तो तब लोगों का रेस्पॉन्स आपको कैसा लगा? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मानूंगा। सर देखिए, जब हम लोगों से मिले यहाँ पे तो हमने उन्हें बताया कि आपके बच्चों का ब्रेन जो इसका तो डेवलप होगा कि
मान लीजिए कि वो आंखों में पट्टी बांध के सब कुछ कर सकता है, वो तो हमें पागल समझ रहे थे कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, लेकिन हमने उन्हें प्रूव करके दिखाया, जैसे हमारी जो टैगलाइन है योर चाइल्ड इज जीनियस एंड वी कैन प्रूव इट, यस, और हमने ये करके दिखाया। आज जो है डोडा के अंदर 150 प्लस बच्चों जो है हमने तैयार कर दिया है, और जो है बहुत ही अच्छा जो काम उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूँ कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ही बच्चों को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है, और एक्सलेंट सर्टिफिकेट भी हमें मिला गया। तो आपको जैसे बता दिया उसका लड़के का नाम जो है खुशी निरंकारी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे। और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, एक हमारी छोटी बच्ची जो थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही शाई टाइप थी, जब हमने उसको कोर्स कराया तो जब वो स्टार्टिंग में हमारे पास आई तो बहुत ही शर्मिली थी, तो कुछ भी बोलने से पहले डरती थी वो, लेकिन जब हमने उसका कोर्स कराया तो कोर्स कराने के बाद सर मैं बताऊं वो ताइक्वांडो में आज जो है जम्मू कश्मीर के लिए खेल रही है। सर आप देखिए सर, एक छोटी सी बच्ची यानी यहाँ से बाहर निकलना और आज जम्मू कश्मीर exactly. ताइक्वांडो खेल रही है, तो काफ़ी खुशी की बात। दर्शकों मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा कि इसमें जो है क्या क्या सिखाते हैं आप बच्चों को और किस तरह बच्चों को आप जो है इसमें एक्सपर्ट बनाते हैं। सर ये बाद में बता दूंगा, मैं पहले मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ। सर आजकल के यूथ, जैसे मैंने पहले बताया, यूथ जो है भटक चुके हैं, उनको जहाँ होना चाहिए था नहीं होते। मैं अगर आपको बता दूँ या और जो आपके सारे व्यूवर्स जो है उन्हें बता दूँ, क्या आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या आपको पता है कि आपका जो है कौन सा ब्रेन एक्टिव है, क्या आपको ये पता है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप पढ़ते हो, क्या आप ओवल पर्सनैलिटी के हैं, क्या ईगल पर्सनैलिटी के हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपके अपने आपके कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं डेवलपर हूँ या मैं सक्सेस हूँ। मैं इस चीज़ को सक्सेस नहीं मानता कि मैं अभी एक सक्सेसफुल इंजीनियर हूँ या एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, मैं इस चीज़ को सक्सेस नहीं मानता। अगर मेरी किसी चीज़ में रुचि हो, कोई उस चीज़ में अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, चाहे क्यों ना मेरे को 2 रुपये वहाँ से मिल रहे, तो मैं उस चीज़ को सक्सेस मानता हूँ। अगर बच्चे जो है, मैं सभी जो जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे मेरे को अभी देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है DMIT टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि उससे आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी क्या है उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे उठना बैठना पसंद करते हैं, आप आगे जो है कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, सबसे बड़ी चीज़ जो है आजकल जो कैरियर ऑप्शन। जब हम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, DMIT टेस्ट की आपने बात की जी सर, तो DMIT टेस्ट आके किस तरह हमारे दर्शकों ने जो भी देख रहे होंगे या जो भी इंटरेस्टेड हुए इसमें आने के लिए, तो किस तरह उन्हें वो टेस्ट कराना, उस टेस्ट कराने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाले? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूँ सर, DMIT टेस्ट कराने के लिए कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, आप सिर्फ 10 मिनट आना है हमारे पास, जैसे स्कैन करना है, हमें फिंगरप्रिंट स्कैन करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो फिंगरप्रिंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे ब्रेन के साथ, जो लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट्स है वो हमारे राइट हैंड राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और राइट का लेफ्ट के साथ वाइस वर्सा। सो अगर हम बात करें, हमें वहाँ से इस टेस्ट के माध्यम से जो मैंने चीज़ बताई, जैसे पर्सनैलिटी आपके सामने आते हैं, आपको जो मेन जो है वो कैरियर ऑप्शन सामने आता है। आपको सोचिए आजकल के पेरेंट्स जो है लगभग जो है, एक सर्वे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन तक लगभग जो है 22 लाख से ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, क्यों कि बच्चा मेरा जो है कहीं एक अच्छी पोस्ट में हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिरकार वे बच्चा किस फील्ड में अच्छा रह सकता है, कि उनको फिर भी नहीं लगता कि बच्चा जो उसके बाद वो कोर्स करने के बाद या वो पढ़ाई करने के बाद क्या वो बच्चा जो एक 5,000 की जॉब जो है कर सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगता उनका। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप करेक्ट टाइम पे DMIT टेस्ट कराएं, मेरा यह दावा है, मैं एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अभी बता रहा हूं कि मेरा यह दावा है, आप जो है आगे आने वाले 15 साल में आप अपने आप में देखेंगे किस तरह की चेंजिंग होगी, क्योंकि आपको एक करेक्ट फील्ड जो है करेक्ट टाइम पे मिल गई मिलने वाला। तो उसके अलावा कोर्सेज को लेकर मैं बात करूं कि क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पर और किस तरह बच्चों को यहाँ पर एक्सपर्ट बनाया जाता है। जी अभी जो है मैं बता दूं, जैसे हमारे सागर सर हमारे जिमनास्टिक्स कराते हैं, योगा एक्सपर्ट्स भी हैं, और इसके अलावा जो है हम राइटिंग जो स्किल, आप देखो जो है राइटिंग स्किल भी बच्चों की हम इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, प्लस जो हम थोड़ा बेसिक मैनर सिखाते हैं बच्चों को, बेसिक मैनर के बाद में छोटी सी हमारा जो कोशिश है, हमें टारगेट रखा हुआ है कि इस साल जो है हम लगभग जो है 1,000+ बच्चे जो है हम डोडा में एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि हमें हम चाहते हैं कि हम भटके हुए हैं और हमारी वजह से अगर किसी को बेनिफिट होगा तो अच्छा ही होगा।
अच्छा ही होगा। तो इसमें जो अभी हमने आपके प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम में बताया जा रहा था कि बच्चे किस तरह आंखें बंद करके जो है, जो उनके सामने आप कुछ भी चाहे कोई भी लिखत में कुछ दे दो या कोई भी चीज़ आप बता दो, तो किस तरह वो बच्चे उसको देख पाते हैं या उस चीज़ को बयां कर पाते हैं? सर इसके लिए जो एक छोटी सी थ्योरी है, हमारे लिए छोटी सी थ्योरी है लेकिन एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके बाद डॉक्टर रॉजर ने एक थ्योरी बताई थी। हमारे जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में कनेक्शन रहता है और उसके बीच में एक छोटी सी लेयर रहती है, 6 mm की लेयर। सर 6 mm क्या है? एक धागा सर। 6 mm की लेयर एक ब्रिज का काम करती है और वो जो है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो ही जो वो ब्रेन एक्टिव हो गया, मान लीजिए सर अगर मेरे लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो तो मैं ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, पढ़ना पढ़ाकू टाइप ऐसा रहता हूँ, लेकिन अगर मेरा राइट ब्रेन एक्टिव हो तो मैं खेलना कूदना ऐसा टाइप का बंदा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो दोनों मेरे को एक्टिव हो गए और जो मिड ब्रेन एक्टिव हो गया तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मेरे पास सर एक फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में 72 GB या सॉरी 64 GB का जो है स्पेस है, अगर मैं सर उसको थोड़ी सी 4 GB का अलग से मेमोरी कार्ड दूँ, सर आप सोचिए कितना जो बेनिफिट होगा हमें, जहाँ पर जो है 64 GB का मैं स्टोरेज जो है मेरे को 124 या 128 का बन गया, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे मेरा कहने का मतलब है जो सेंसरी एनहांसमेंट प्रोग्राम है हमारा, इससे आपकी मेमोरी जो इंक्रीज हो सकती है, आपकी जो जो डर जो था, आपने देखा हमारे बच्चे जो है भाई काफ़ी डर रहे थे और ये जो डर जो है वो सामने जो है खत्म हो जाता है बिल्कुल। हम जो है एक बोलेंगे, अगर सीधा बोलेंगे कि जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताई थी कि हमारी बच्ची जो है अभी एक हमारी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाली है, सो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। तो उसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि एक तो उस तरह के प्रोग्राम्स, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम आज इनका हुआ, यहाँ पर बच्चों को डांस भी सिखाया गया और भी अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई गई, तो क्या उन सब चीज़ों के अलावा बच्चों को यहाँ पर एंजॉयमेंट भी कराई जाती है, डांस भी सिखाया जाता है? बिल्कुल सर, एक छोटी सी, क्योंकि मेन चीज़ बच्चों के लिए ये होता है कि कोई भी बच्चा जो छोटा होता है इंटरेस्टेड नहीं होता है, पढ़ने को लेके वो इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखाई जाए तो उनका शौक जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सर बच्चे जब हमारी क्लास में आते हैं ना सर, आप यकीन मानिए एक बार बच्चा अंदर आए तो घर जाने के लिए मम्मा उसे चॉकलेट या 10 रुपये कुछ एक्स्ट्रा करके देंगे, यकीन मानिए। यानी जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चॉकलेट देते थे, वो अब घर लेने के लिए वहां से चॉकलेट देते हैं। एग्जैक्टली सर, और ये ऐसा हुआ है सर हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, हम बच्चों को जब क्लासरूम में हमारे आए बच्चे जो है एंजॉयमेंट, हम अपनी जो है हमारा जो नोटबुक नो पेन हम का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी हमारा पेन कॉपी का यूज़ नहीं होता है। हम जो है बच्चों को टीवी दिखाते हैं, म्यूज़िक में डांस कराते हैं बच्चों को, अगर ज़्यादा थक गए तो हम उधर ही सुला भी देते हैं, तो उसी से हम आप सोच लीजिए कि बच्चों को पढ़ाई से दूर रखें तो कितना। बिल्कुल। एक और आखिर में एक सवाल रहेगा मेरा कि कोविड था, कोविड में ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा चली, यानी इनकी क्लासेस जो है ज़्यादा ले पाए आप, लेकिन जब आने वाले टाइम में स्कूल्स भी खुल जाएंगे तो उस मतलब स्कूल खुलने के बाद किस तरह ये सब चीज़ों का मैनेज कर पाए? जी बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको कि कोविड में भी हमारा काफ़ी रोल रहा, हमारी टीम ने और स्पेशली जो हमारे के बारदवाई सर हैं, चेयरमैन ऑफ ब्रेंस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इन्होंने काफ़ी मेहनत की और हर गाँव में घुसने की कोशिश की, हमने हर पंचायत में घुसने की कोशिश की और ऑनलाइन योगा क्लास हमने स्टार्ट की, प्लस जो हमें ब्रेन जिम एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसने हमारा जो DYSSO डोडा जो है डॉक्टर जाफर हैदर शेख सर जो है जी, उन्होंने काफ़ी हमारे सहयोग किया। और इसके बाद अगर हम बात करें कोरोना काल की, कोरोना काल जो है ख़त्म होगा और हमारा जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा टारगेट रहेगा कि 1000+ जो है इसी साल जो हमने बच्चे जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है हमने कराना है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था इनका, तो हम कोशिश करेंगे जो बच्चों को मैडम यहाँ पर पढ़ाती उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर ले। तो जो मैडम इन बच्चों को यहाँ पर सिखाती है, जो इनकी क्लास में होती है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभालना। मैम सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम सिमरन डंडवाल है। तो सिमरन जी आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब बच्चे आपके पास आते हैं तो किस तरह बच्चों की जब आप क्लास लेते हैं तो कितना मुश्किल और कितनी आसानी से आप ये सब चीज़ें कर पाते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं? सर पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस चीज़ की हमें ट्रेनिंग दी गई है,
हम प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, हमारी गुजरात के से जो है वो ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ के लिए। सर एक्चुअली बच्चों के साथ कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं और लोग कहते हैं कि शरारती बच्चों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, पर हम यहाँ कहते हैं कि जितने शरारती बच्चे हैं वो हमें ला के दे दीजिए, क्योंकि सर बच्चों के साथ बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को डांटना बिल्कुल अलाउड नहीं है, हंसी मजाक से खुशी से जो है बच्चों के साथ इन्जॉय किया जाता है और उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। सर यानी अगर बच्चों को डांट लिया तो बच्चे फिर भाग गए? जी नहीं सर, डांटने नहीं सर वो मतलब नहीं है। एक्चुअली हमारे कोर्स में जो है यही मीनिंग है हमारा कि हमारे ब्रेन को हैप्पी रखना, तो ब्रेन को हैप्पी रखने के लिए पहले हमें खुद अपने हार्ट को अपने बॉडी को हेल्दी रखना होगा और खुश रखना होगा। तो इस चीज़ के लिए हम बच्चों को खुश रखते हैं, उनको हंसाते हैं, खिलाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जो कोर्स का प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत की जैसे आपने बात की, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को आप कराते हैं ताकि बच्चों का जो है मन वहाँ पर लगा रहे? सर सबसे पहले जब बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो बच्चों से पहले इंटरेक्ट करना हमें चाहिए, तो हम बच्चों के साथ जैसे इंट्रोडक्शन ले लिया उनको, और सबसे पहले हम उनको ये बात बताते हैं कि आप हमारे इस दरवाजे के अंदर एंटर हो गए, आप ये मत सोचिए कि आपकी एज 15 साल है, 8 साल है या 20 साल है, आप ये सोचिए कि आप 2 साल के बच्चे हैं, और जैसे 2 साल के बच्चे शैतानियाँ करते हैं वैसे आपको यहाँ पे शैतानियाँ करनी है। खुश रहना है, अपनी बुक्स वगैरह आप घर में छोड़ के आइए गेट के बाहर, और गेट के अंदर जब आते हैं आप सोचें कि हम आपके दोस्त हैं। और उसी तरीके से हम पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, लॉफिंग थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे उनको एक्टिविटीज़ दिखाते हैं जो हमारी एक्सरसाइज की हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है एक्सरसाइज, उनको लगता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये हमें हंसाने के लिए की जा रही है। तो इस तरीके से वो जब खुश हो जाते हैं। बच्चों को ना जब बच्चे बड़े होते हैं उनको टॉयज वगैरह भी दिखाए जाते हैं, तो क्या इस तरह का भी वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं कि बच्चों को खिलौने दिखा के जो है उनका मन यहाँ पर लगाया जाए? यस सर एग्जैक्टली सर, एक्चुअली ड्रामा नहीं हम कहेंगे उसका, हम कहेंगे कि बॉलीवुड म्यूजिक पे हम उनको एक्सरसाइज करवाते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। तो सर वो एक्सरसाइज करते करते उनको इतना इन्जॉय होता है, उन्हें लगता ही नहीं कि हम कोई एक्सरसाइज करें, वो सोचते हम कोई कार्टून देख रहे हैं और हमें उनको फनी तरीके से वॉच करना है और उनको कॉपी करना है, तो वो उस तरीके से वो एक्सरसाइज करते हैं। ये सब आखिर में मेरा आपका सवाल रहेगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही किताबें खोलो पढ़ो बचपन से ही लगे रहते हैं कि नहीं बच्चों को ट्यूशन स्कूल बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता है, तो उन बच्चों के लिए किस तरह का आपका मैसेज रहेगा, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे यहाँ आने के लिए उन बच्चों को यहाँ पर किस तरह आना है, किस तरह अपनी एडमिशन करानी है? ठीक है सर, सर पहले तो मैं ये बात बोल दूँ कि जैसे स्टडी है, स्टडी की बात आपने की, तो स्टडी भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर हम ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप उसको इंटरेस्टेड तरीके से बच्चों को दें, स्ट्रेस के तरीके से ना दें, प्रेशर के तरीके से ना दें। सर अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर हम भी इतने इंटेलिजेंट नहीं थे बचपन से ही, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी हमारे अंदर थी जो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं सर। तो हर एक इंसान के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर वो खूबी होती है सर, तो इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए पढ़ाई के लिए, उनको इस तरीके से पेरेंट्स बैठ के ग्रुप में हंसी मजाक में 10 चीज़ें उनको सिखा ले सर, उसका मज़ा ही अलग आ जाता है इसका। बिल्कुल। और आखिर में जो मैसेज आपका पेरेंट्स का रहेगा जो बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहोगे? सर यही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनके साथ जो है हंसी खुशी रहें, उनको जो है उनको समझने की कोशिश करें, बच्चों के साथ एक फ्रेंड तरीके का बिहेव करें, क्योंकि ताकि बच्चों को अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे आके फ्रेंडली शेयर कर सकें, मम्मा मेरे साथ ये हो गया, पापा मेरे साथ ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है सर कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है दबाव में लाते हैं कि अगर आपने कोई गलत चीज़ की तो हम आपको छोड़ेंगे, उस तरीके से बच्चे जो है कभी भी अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं सर। और जिन बच्चों ने एडमिशन करानी होगी या जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की यहाँ पर एडमिशन करानी होगी, तो उनके लिए कहाँ पर उन्हें आना है और क्या प्रोसेस क्या है? सर हमारा एड्रेस जो है वो देसा चौक पे है, रेंज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। यस सर, मेन ब्रांच हेड ऑफिस डोडा में है, एक ब्रांच हमारी भद्रवा में है और एक जम्मू में है सर। तो हमारे हेड ऑफिस में जो है लोग आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे होते हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सर इसका प्रोसीजर हम वहाँ के ऑफिस में सारी चीज़ें क्लियर करते हैं सर पेरेंट्स। आप देख सकते हैं ये मैडम थी बच्चों की जिन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरह हम बच्चों के साथ वहाँ पर डीलिंग करते हैं और किस तरह हम बच्चों को जो है सिखाते हैं। उसके अलावा फिर से मैं आपको बताता चलूँ, ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिनका साफ साफ कहना है योर चाइल्ड इज जीनियस वी कैन प्रूव इट, यानी वो प्रूव करके दिखाएंगे कि आपका बच्चा जीनियस है। तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए, तो पूरा एड्रेस इन्होंने आपको बता दिया, डोडा मैन हेड ऑफिस है इनका। तो उम्मीद और तवक्का लोगों से यही है कि वो बच्चों को स्ट्रिक्टली बिहेव ना करें, हर बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली बिहेव करें, ताकि बच्चे जो है काफ़ी मन लगा के पढ़ाई करें और खेलकूद भी वो मन लगा के ही करें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।